पिछली सरकार ने भी आप अपनी मांगों को लेकर गए थे, अब क्या कुछ फैसला क्या कुछ आ पाया अभी तक, क्या चीज से बात हुई? पिछली सरकार ने हमको बेरोजगार किया, लंबा संघर्ष मजबूत आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने कई बार जेल भी गए। जब आंदोलन पे आंदोलन होते रहे तो बीजेपी के समस्त बड़े नेता, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे किरोड़ी लाल जी हो, दिव्या कुमारी हो और रामलाल शर्मा हो, सतीश पूनिया जी हो, जितने भी बड़े लीडर हैं किरोड़ी लाल जी हो, उन सब ने हमारे आंदोलन का समर्थन किया और हमारे कई आंदोलनों में उन्होंने दिन रात भाग लिया, 24 घंटे हमारे साथ रहे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया अगर हमारी सरकार राजस्थान में संपूर्ण बहुमत के साथ आती है तो हम आपको रोजगार देंगे। जब चुनाव हुए तो पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना योद्धा सीएचएन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और सरकार बनाने में बड़ी मेहनत की और राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार संपूर्ण बहुमत के साथ बनी। आज सरकार बने बहुत महीने हो गए लेकिन सरकार का अभी तक हमारे लिए कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने सोचा कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, हमको सरकार को याद दिलाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने आंदोलन प्रदर्शन किए। हम कई बार मुख्यमंत्री जी से मिल लिए, किरोड़ी लाल जी से मिल लिए, दिव्या कुमारी जी से मुलाकात हो गई हमारी, राजेंद्र राठौर से, रामलाल शर्मा, प्रेमचंद जी, सबसे हमने सबको अवगत कराया। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारा काम करेंगे? कल किरोड़ी लाल जी से मुलाकात हुई, सीएम साहब से कल किरोड़ी लाल जी तो यहाँ आपके बीच में बैठ के भी गए थे, बैठ के भी गए थे, महापुरा आंदोलन भी आए थे, राहुल गांधी का टेंट भी रोका हमने किरोड़ी लाल जी के साथ में, तो अब उनको कल याद दिलाया कि साहब अब तो रोजगार दे दो, अब तो बेरोजगार हुए भी 2 साल हो गए, आपकी सरकार ने कहा, सरकार बन भी गई, राम राज ये रणनीति कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, अब वो राम राज्य की नीति कब निभाओगे? तो किरोड़ी लाल जी ने ये कहा है और सीएम साहब ने कल ये कहा है कि हम तुम्हारा काम करें, तो किरोड़ी लाल जी ने कल उनके मिलने के लिए बुलाया है, तो हमको ये कहीं ना कहीं लगता है कि जल्द ही हमारे लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, हमको रोजगार देकर सरकार अपना वादा निभाएगी। भी कोरोना योद्धा लगाए गए थे, ये सेंटर की स्कीम थी, सबको परमानेंट कर दिया, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश थे वहाँ उनको वापस ज्वाइनिंग दी गई है। हमको इसलिए पूर्ण विश्वास है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी सरकार है, अभी पिछले ही महीने हरियाणा में किए गए हैं, चंडीगढ़ में वापस उनको लिए गए हैं सीएचए को, हरियाणा में लंबा धरना चला, जब वापस उनको कोरोना योद्धा सीएचए ही पूरे भारतवर्ष के अंदर जो कोरोना योद्धा लगाए गए तो उनका नाम सबका नाम सीएचए था, सभी बीजेपी शासित प्रदेशों में सारे कोरोना योद्धा को वापस ले लिया गया है। अब राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार है तो हमको संपूर्ण विश्वास है कि सरकार बनने के बाद हमको अब रोजगार देंगे। अभी सरकार को याद दिलाने के लिए हम जो कमेटी के लोग हैं वो ही आए हैं, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो जो पहले संख्या बल था उसी के आधार पर सरकार को हम घेरेंगे अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती, क्योंकि रोजगार चाहे सरकार कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा वो संतुष्ट नहीं होगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार आश्वासन देती है, अब जब वादा ही किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। साहब दिया डाला था भैया, हमें आश्वासन लेते लेते 2 साल होने को आए हैं, 31 मार्च 2022 को हमारी सेवा समाप्त की, तब से आज दिन तक हजारों बार नेताओं ने आश्वासन दे दिए, अब हम आश्वासन से मानने वाले नहीं है, अब हम ज्वाइनिंग लेटर और सेवा बहाली का आदेश लेकर ही जाएंगे, आश्वासन से तो हम मानने वाले नहीं है। कोरोना में आपने बहुत सेवा की, लोगों की सेवा की, क्या उसका फल नहीं मिल पा रहा है? उसका फल तो काम मिल रहा है, यूज एंड थ्रो कर दिया, जब तक कोरोना था जो पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बोला कोरोना गया तो नौकरी गई, कोरोना तो अब गहलोत जी को हो रखा है, अभी आज की टाइम में SMS हॉस्पिटल में भर्ती है, कहाँ गया कोरोना? और कोरोना के टाइम में भाई भाई का नहीं था, बहन भाई की नहीं थी, भाई बहन का नहीं था, बाप बेटे का नहीं था, एक दूसरे को देख के छुप जाते थे और उस टाइम में हमने घर से बाहर निकल के सेवा की और उसका फल हमें क्या मिला? हम बैठे हैं यहाँ धूप में और बारिश में और इस ठंडी में पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने